हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलेंडर से कितने टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर से तीन टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप होता है फाइंड डे, यानी कि हमें दिन पता करना है। तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत भी पाँच प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या होगा, विद इन द सेम मंथ, यानी एक ही महीने के अंदर का आपको दिन बताना होगा, ठीक है। और दूसरा टाइप इसमें हो जाएगा इफ द मंथ चेंज, अगर महीना अलग अलग दिया हुआ हो, ठीक है। अगर महीना अलग अलग दिया हो तो हम कैसे दिन पता करेंगे। और तीसरा टाइप हो जाएगा ईयर चेंज, अगर साल भी बदल जाए तो हम दिन कैसे बताएंगे। और चौथा टाइप होता है इफ द बोथ मंथ एंड ईयर चेंज, यानी कि महीना और साल दोनों अलग अलग दिया हो तो कैसे दिन पता करेंगे। और इसका पांचवा टाइप होता है रिवर्स ईयर, अगर उल्टा साल दिया हो, जैसे आपको दिन दिया होगा 2018 का और मांगा जाएगा 2017 की किसी तारीख का दिन बताएं, ठीक है। ये तो पांच प्रकार हो गया ये पहला टाइप में। और दूसरा टाइप क्या होता है कैलेंडर का, देखिए दूसरा टाइप का प्रश्न पूछा जाता है फाइंड डे ऑफ एनी डेट, यानी किसी भी तारीख का दिन ढूंढना। कोई भी आपको डेट दिया जाएगा और कहा जाएगा इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस तरह का दूसरा टाइप का प्रश्न हो गया। और यहाँ पर तीसरा टाइप होता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी कि जो कैलेंडर अभी चल रहा है वैसे ही सेम कैलेंडर कौन से वर्ष में होगा। जैसे मान लिया जाए कि 2018 में जो कैलेंडर है यही सेम कैलेंडर कौन से वर्ष में रिपीट होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो ये टाइप टू और टाइप थ्री देखा, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमें कोर्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट के द्वारा इन दो टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो कहाँ पर आपको कैसे कोर्ट को यूज करना है और क्या क्या शॉर्टकट ट्रिक हमको अपनाना है कि कोर्ट का हमें कम से कम यूज करना पड़े, तो इस कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइप वन। टाइप वन के अंतर्गत जो ये पांच प्रकार के प्रश्न दिख रहे हैं, इन पांचों प्रकार के प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसके लिए हम देखेंगे सिर्फ आज नौ प्रश्न, ये नौ प्रश्न में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैलेंडर के बारे में आप सभी को पता होगा, कैलेंडर दो प्रकार का होता है। पहला टाइप होता है लीप ईयर और दूसरा टाइप होता है ऑर्डिनरी ईयर, जिसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं। तो यहाँ पर लीप ईयर में एक साल में कितना दिन होता है, लीप ईयर में एक साल में 366 दिन होता है, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डिनरी ईयर यानी नॉर्मल ईयर की, तो इसमें एक साल में 365 दिन होता है, जिसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो इसका पहचान करने का एक तरीका है कि जो भी वर्ष आपको दिया हुआ है उसे हम चार से भाग देकर देखेंगे। अगर वो वर्ष चार से कट जाता है तो वो होगा लीप ईयर, चार से अगर नहीं कटता है तो वो होगा नॉर्मल ईयर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2016, ठीक है, तो यहाँ पर 2016 को हम चार से काट के देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 है, ये चार से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप वर्ष, ठीक है। अगर नहीं कटता तो वो होता नॉर्मल ईयर। तो देखिए यहां पर आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि कोई भी वर्ष आपको दिया हो, कोई भी वर्ष दिया हो, अगर वो चार से कटता है तो वो हो जाएगा लीप वर्ष, ठीक है। लेकिन अगर सेंचुरी वर्ष दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सेंचुरी वर्ष किसे हम कहते हैं, जिसके लास्ट में दो जीरो होता है। जैसे आपको दिया होगा 1700, 1600, 1500, ठीक है, अगर 2000 इस टाइप का अगर वर्ष दिया हो तो इसे अगर हम चार से काटेंगे तो सभी साल चार से कट जाएगा। जिसके लास्ट दो जीरो है सभी वर्ष चार से कट जाएगा। लेकिन चार से कट जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्ष लीप ईयर ही हो। जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है 1700, ठीक है, 1700 तो चार से कट जाएगा, तो कैसे हम पता करेंगे ये लीप वर्ष है कि नहीं। तो सेंचुरी वर्ष को चेक करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। सेंचुरी वर्ष को सिर्फ सेंचुरी वर्ष को हम 400 से भाग करके देखेंगे, अगर पूरा कट जाता है तब वो होगा लीप वर्ष, ठीक है, और बाकी सभी ईयर के लिए हम चार से ही भाग देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, चलिए हम ऑड डेज की, एक्स्ट्रा दिन की बात करते हैं कि एक साल में कितना एक्स्ट्रा दिन होता है। तो यहाँ पर लीप वर्ष में अगर हम बात करें ऑड डेज की, तो अगर हम लीप वर्ष में 366 दिन होता है तो इसे हम सात से भाग देंगे। सात से ही क्यों भाग देंगे, क्योंकि दिन सात ही होता है, यही सात सात दिन बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो 366 में अगर हम सात से भाग देंगे तो यहाँ पर दो निकल के आएगा एक्स्ट्रा दिन, 364 तक कट जाएगा, यानी कि लीप वर्ष में दो एक्स्ट्रा दिन होते हैं। उसी तरह से अगर ऑर्डिनरी ईयर में हम देखें एक्स्ट्रा दिन कितना एक्स्ट्रा दिन होता है, तो यहाँ पर 365 में हम सात से भाग देंगे तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा निकल के आएगा, यानी कि नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है।
तो अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ष हमारे लिए कौन सा होगा जिससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 1900 से लेकर 2100 के वर्ष जो होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 1900 से 2100 के बीच का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। तो अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप वन का पहला देखेंगे, अगर एक ही महीने के अंदर का प्रश्न हो तो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि 2 मई 2018 को शुक्रवार था तो 18 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा हमारा, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 मई 2018 को शुक्रवार था, तो यहाँ पर 2 तारीख को अगर फ्राइडे है तो 2 के बाद फ्राइडे अब कब आएगा, तो 2 में हम जोड़ देंगे 7 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 तारीख, यानी अब की फ्राइडे आएगा 9 तारीख को। फिर इस 9 में 7 जोड़ देंगे तो होगा 16, यानी उसके बाद फ्राइडे आएगा 16 तारीख को। हमसे मांगा जा रहा था 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, यानी कि 16 तारीख को अगर फ्राइडे है तो 17 का होगा सैटरडे, 18 का होगा संडे, संडे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये तो पहला टाइप था। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 2 मई 2018 को शुक्रवार था तो 18 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। हमें क्या करना होगा, इस 18 में से हम माइनस कर लेंगे इस 2 को, 18 में से 2 घटाएंगे आएगा 16। अब क्या करेंगे, इस 16 को हम दे देंगे 7 से भाग। ठीक है, 16 को हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 14 तक तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, यानी कि 2 दिन बचा है एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ्राइडे है, यहाँ पर फ्राइडे है तो फ्राइडे में हम 2 दिन प्लस कर देंगे, फ्राइडे में 2 दिन प्लस करेंगे तो संडे आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, यदि 6 फरवरी 1997 को गुरुवार था तो 26 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे भी हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को है गुरुवार, 6 फरवरी को अगर गुरुवार है तो अब गुरुवार कब आएगा, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 तारीख को आएगा, उसके बाद गुरुवार कब आएगा, 13 में 7 जोड़ेंगे 20 तारीख को आएगा, फिर 20 में हम 7 जोड़ेंगे तो 27 तारीख आएगा, यानी 27 तारीख को भी होगा गुरुवार। क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा था कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी 27 से एक दिन पहले, अगर 27 को थर्सडे है तो 26 को वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ भी महीना सेम है, यहाँ भी फरवरी है, यहाँ भी फरवरी है, ठीक है, और यहाँ पर साल भी सेम है, तो यहाँ पर 26 में से हम 6 को घटा देंगे आएगा यहाँ पर 20। ठीक है, अब इस 20 को हम 7 से भाग देंगे तो 14 तक तो कट जाएगा, 6 दिन बचेगा एक्स्ट्रा, तो 6 दिन को हम क्या करेंगे, थर्सडे में जोड़ देंगे 6 दिन, थर्सडे में हम 6 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेडनेसडे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए टाइप टू देखते हैं, मंथ चेंज कर जाए तो। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि 31 मार्च 2002 को रविवार था तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में महीना चेंज कर गया है तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2002 को रविवार था, तो यहाँ पर आप हमें ये बताएं कि मार्च में कोई एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, मार्च में 31 दिन होता है और 31 तारीख का आपको रविवार बता दिया गया, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्रैल से शुरू करेंगे, मार्च के बाद अप्रैल होता है, अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है। ठीक है, तो इसमें अप्रैल में कितना दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो 30 में अगर हम 7 से भाग देंगे 28 तक कट जाएगा, 2 दिन बचेगा एक्स्ट्रा, तो अप्रैल में बचा 2 दिन एक्स्ट्रा, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद आता है मई, मई में कितना दिन होता है, मई का महीना होता है 31 दिन का, 31 को 7 से भाग देंगे 28 तक कटेगा, 3 दिन बचेगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा निकल गया मई का। उसके बाद वो आता है जून, जून में 30 दिन होता है, 7 से भाग देंगे 2 दिन बचेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो इसे 7 से भाग देंगे, जुलाई में बचेगा 3 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, 3 दिन यहाँ एक्स्ट्रा हो गया। हमसे मांगा जा रहा था कि 10 अगस्त 2002 को कौन सा डेट होगा, 10 अगस्त तक का ही मांगा जा रहा था, तो आप यहाँ पर देखें कि 10 अगस्त तक कितना एक्स्ट्रा दिन निकल रहा है, तो 10 में 7 से भाग देंगे हम, तो यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा निकल रहा है, 3 दिन निकल रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा दिन हमने निकाला इन सभी को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हम 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुल कितना एक्स्ट्रा दिन निकला, 13 दिन एक्स्ट्रा निकला। अब हम क्या करेंगे, इस 13 में 7 से हम भाग दे देंगे, 13 में 7 से भाग देंगे तो 7 तक तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 6 दिन, 6 दिन यहाँ पर बचा है एक्स्ट्रा। अब इस 6 दिन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रविवार था 31 मार्च को, तो इस रविवार में हम जोड़ देंगे 6 दिन, अगर रविवार में 7 दिन जोड़ते हैं तो वही दिन फिर स्टार्ट हो जाता,
छह दिन जोड़ेंगे तो एक दिन बैक यानी कि सैटरडे आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि 5 जनवरी 2012 को गुरुवार था तो 8 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक जाना है। यहाँ पर जनवरी का आपको दिया हुआ है 5 तारीख को गुरुवार था, तो 5 तक तो यहाँ पर हो गया है। बच रहा है अब जनवरी में कितना दिन, तो 31 में से अगर हम इस 5 को घटा लेंगे बचेगा जनवरी में 26 दिन। तो अब देखिए आप जनवरी में कितना एक्स्ट्रा दिन बचेगा, तो इस 26 में 7 से भाग देंगे 21 तक कटेगा, 5 दिन बचेगा एक्स्ट्रा, यानी जनवरी में बचा 5 दिन एक्स्ट्रा। उसके बाद आता है फरवरी, ठीक है, उसके बाद आता है फरवरी। तो यहाँ आप देखें कि फरवरी कितने दिन का होगा, यहाँ पर फरवरी होगा 29 दिन का, क्योंकि ये 2012 एक लीप वर्ष है, ठीक है, ये एक लीप ईयर है, इसलिए फरवरी होगा 29 दिन का। तो फरवरी अगर 29 दिन का है तो इसमें कितना दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 7 से भाग देंगे 29 में, 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आता है मार्च, मार्च में कितना दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो यहाँ पर मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, 8 अप्रैल तक का ही हमें निकालना है, तो सिर्फ 8 में आप भाग दें 7 से, तो यहाँ पर 1 दिन बचेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद सभी को जोड़ लेना है, तो 5 1 6 6 3 9 9 1 10, 10 दिन यहाँ पर निकल के आया है एक्स्ट्रा। इस 10 में अब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर था क्या, गुरुवार यानी थर्सडे, थर्सडे में 3 दिन हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, संडे, संडे हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए तीसरा टाइप देखते हैं, ईयर चेंज कर जाए तो। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 20 जनवरी 2014 को सोमवार था तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ईयर चेंज कर गया है, 2014 से लेकर 2017 तक दिया हुआ है, ठीक है, ईयर चेंज हुआ है। तो अब हम ईयर की बात करेंगे, यानी एक ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। आपको पता है कि नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर शुरुआत हो रहा है 20 जनवरी से, ठीक है, तो 2014 में कितना एक्स्ट्रा दिन बचेगा, ये एक नॉर्मल ईयर है यानी ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। कब 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, शुरुआत यहाँ पर 20 जनवरी से हो रहा है, यानी बीच में फरवरी आएगा। अगर फरवरी के बाद का कोई दिन दिया होता, यानी मार्च से अगर शुरुआत होता, तो 2014 में 1 भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचता। क्यों नहीं बचता, क्योंकि फरवरी बीच में नहीं आया होता, यहाँ पर फरवरी बीच में आएगा, इसलिए 2014 का भी एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर होगा, ठीक है। और उसी तरह से 2015 उसके बाद आएगा, ये भी एक नॉर्मल ईयर है, इसमें भी 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद आएगा 2016, देखिए ये 2016 एक लीप ईयर है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। उसके बाद 2017 आएगा, तो 2017 हमें कहाँ तक का बताना है, 20 जनवरी का बताना है, यानी कि फरवरी तो हमें पहुँचना ही नहीं है, फरवरी तो आएगा ही नहीं, यानी 20 जनवरी तक आना है। तो यहाँ पर 2017 में 1 भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो उसके बाद इसे हमें जोड़ लेना है, तो 1 1 2 2 4, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर निकला। तो इस 4 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर निकला, तो इसे हमें 7 से भाग देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही 4 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर निकल गया है। तो यहाँ पर सोमवार था, तो सोमवार यानी मंडे में हम 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो आ जाएगा क्या, फ्राइडे आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, यहाँ पर यदि 31 मार्च 2013 को रविवार था तो 31 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 31 मार्च 2013 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च से हो रहा है, यानी कि फरवरी तो पार हो गया है। फरवरी पार अगर हो गया है तो यहाँ पर हम 2013 का लेंगे 0, यानी कि 2013 में अभी 1 भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, फरवरी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आएगा 2014, तो 2014 एक नॉर्मल ईयर है, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर आएगा 2015 में एक नॉर्मल ईयर है, इसमें भी 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर 2016 आएगा, 16 एक लीप ईयर है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। फिर आएगा 17, 17 में 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 2018। अब आप यहाँ पर देखें कि मांगा जा रहा था 31 मार्च 2018 में कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर आप देखें 31 मार्च 2018 तक आने में फरवरी तो यहाँ पर आ गया है, फरवरी काउंट हो गया है, ठीक है, फरवरी आ गया है, तो यहाँ पर 18 का भी एक्स्ट्रा दिन जुटेगा, ठीक है। तो 18 में 1 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। उसके बाद इसे सबको हमें जोड़ लेना है, तो 1 1 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर 6 दिन आया एक्स्ट्रा, तो 6 दिन आया है, 7 से कम है, तो बस 6 ही दिन होगा, 7 से भाग देने का जरूरत नहीं है। तो संडे में 6 दिन जोड़ देंगे, आएगा सैटरडे, क्योंकि संडे में अगर 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर संडे ही आ जाएगा।
छह दिन जोड़ना है तो एक दिन बैक आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए टाइप फोर देखते हैं। अगर महीना और साल दोनों अलग अलग दिया हो तो हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि 15 अगस्त 1988 को सोमवार था तो 10 दिसंबर 1994, तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर महीना भी चेंज है और साल भी चेंज है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले साल में देखना पड़ेगा कि कितना एक्स्ट्रा दिन है, उसके बाद हमें महीना में भी देखना पड़ेगा कितना एक्स्ट्रा दिन बच रहा है। तो साल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त 1988 से, तो यहाँ पर फरवरी तो पार हो गया यानी 88 में कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 89 एक नॉर्मल ईयर है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। 90 एक नॉर्मल ईयर है, इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद 91 आएगा नॉर्मल ईयर, ये इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर यहाँ पर आएगा 92, ये देखिए लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है तो इसमें एक्स्ट्रा दिन दो आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 93, ये भी एक नॉर्मल ईयर है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर आएगा 94, हमें 94 ही तक आना है लेकिन 10 दिसंबर का बताना है, यानी कि बीच में फरवरी आएगा, ठीक है। बीच में अगर फरवरी आया है तो इसमें भी एक्स्ट्रा दिन काउंट होगा, तो यहाँ पर 94 का भी एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सभी को जोड़ेंगे 1, 2, 3, यहाँ पर 5 और 2, 7, तो यहाँ पर 7 आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि 7 अगर आ गया है तो 7 को 7 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साल में तो एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, यहां पर हो गया 0, ठीक है। अब चलिए अब हम महीना में चेक करते हैं, महीना में कितना दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। हमें यहां पर चलना है कहां से कहां तक, अगस्त से जाना है दिसंबर तक, ठीक है, अगस्त से दिसंबर तक जाना है। तो यहां पर अगस्त का क्या है, अगस्त में दिया हुआ है 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगस्त में कितना दिन बच रहा है, 31 में से 15 घटाएंगे, अब बच रहा है 16 दिन, यानी कि एक्स्ट्रा कितना दिन होगा, 14 तक कट जाएगा, 2 दिन बचेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद आता है सितंबर, सितंबर में 30 दिन होता है, 7 से भाग देंगे, यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा। फिर अक्टूबर का कितना दिन एक्स्ट्रा, अक्टूबर का 3 दिन एक्स्ट्रा। फिर नवंबर में कितना दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद फिर हमें दिसंबर जाना है, दिसंबर में कहाँ तक जाना है, सिर्फ 10 दिसंबर तक ही जाना है। तो 10 दिसंबर तक कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, 10 में 7 से भाग देंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद महीना का भी जो एक्स्ट्रा दिन हमने निकाला इसे जोड़ेंगे, 2, 2, 4, 3, 7, 7 और 2, 9, 9, 3, 12, ठीक है, यहाँ पर आ गया है 12। अगर यहाँ साल का भी एक्स्ट्रा दिन होता तो इसे भी हम जोड़ देते हैं इस 12 में, ठीक है, यहाँ पर तो 0 हो गया, इसे कहानी किसका खत्म है यहाँ पर। तो इस 12 में अब हम 7 से भाग देंगे, यहाँ पर 5 दिन निकल के आया है एक्स्ट्रा, इसी 5 दिन को हम जोड़ देंगे इस सोमवार में। मंडे में 5 दिन जोड़ेंगे, आ जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए पांचवा टाइप देखते हैं, फाइंड डे रिवर्स, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 मार्च 2006 को रविवार है तो 12 मार्च 2005 को कौन सा दिन रहा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, आपको दिन दिया हुआ है 2006 का और बताना है हमें 2005 का, ठीक है। तो शुरुआत हो रहा है कहाँ से, शुरुआत हो रहा है 12 मार्च 2005 से। तो 2005 में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, देखिए 2005 में शुरुआत हो रहा है 12 मार्च से, यानी कि फरवरी तो यहाँ पर पार हो गया है, फरवरी पार अगर हो गया तो एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें जाना है कहाँ तक, 12 मार्च 2006 तक जाना है, यानी कि बीच में फरवरी यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। फरवरी अगर आ रहा है तो एक्स्ट्रा दिन होगा, यानी कि 2006 एक नॉर्मल ईयर है, इसमें एक्स्ट्रा दिन एक होगा। तो यहाँ पर एक जो आया है, इस एक को हमें क्या करना है, यहाँ तो हमें रिवर्स निकालना है, यानी कि दिन आपको दिया हुआ है बाद वाले साल का और इसके पहले वाले साल का दिन निकालना है, तो माइनस हम कर देंगे, यहाँ पर जो आया है एक्स्ट्रा दिन इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर था संडे, संडे में से एक दिन घटा देंगे, आएगा सैटरडे, सैटरडे हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए इसी का एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 10 फरवरी 2018 को शनिवार है तो 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी एक रिवर्स डे का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 18 का दिन दिया हुआ है, बताना है 16 का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 16 में कितना दिन एक्स्ट्रा है, 16 एक लीप ईयर है, स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से, यानी 28 फरवरी 29 फरवरी दोनों यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि इसका एक्स्ट्रा दिन होगा, ठीक है। तो 16 में 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। उसके बाद आएगा 17, 17 में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद आएगा 18, 18 में देखिए कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, 18 में आपको कहाँ तक जाना है, सिर्फ 10 फरवरी तक जाना है, यानी कि बीच में 28, 29 फरवरी दोनों नहीं पड़ेगा, 10 तक ही हमें रुक जाना है, तो पूरा फरवरी तो हुआ नहीं है, तो इसका एक्स्ट्रा दिन होगा 0। तो उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, तो इस 3 को हमें क्या करना है, माइनस करना है, सैटरडे में से माइनस 3 करेंगे, आएगा क्या, वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए।
तो उम्मीद है दोस्तों कैलेंडर के टाइप वन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बच रहा है टाइप टू और टाइप थ्री। इन दोनों टाइप के लिए आपको कोड का जरूरत पड़ेगा, कोड आपको याद करना पड़ेगा। तो कोड हमारा क्या होता है, देखिए कोड आपके सामने है। यहाँ पर मंथ के लिए अलग कोड है, डे के लिए अलग कोड है और सेंचुरी के लिए अलग कोड है। ठीक है, मंथ कोड यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक लीप ईयर के लिए, एक नॉर्मल ईयर के लिए। दोनों का कोड सामान्य है, ठीक है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड में चेंज होगा। देखिए यहाँ पर नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी में जीरो है और यहाँ पर लीप वर्ष में जनवरी के लिए छः है। उसी तरह से फरवरी के लिए तीन है और यहाँ पर फरवरी के लिए दो है। बाकी सभी में देख लीजिए सभी का कोड सेम है, ठीक है। उसी तरह से डे कोड की अगर हम बात करें तो संडे के लिए जीरो, मंडे के लिए एक, ट्यूसडे के लिए दो, वेडनेसडे के लिए तीन, इस तरह से सातों दिन का कोड दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड को हमें कैसे याद करना, देखिए ये 1600 से 2000 तक नहीं है, ये है 1600 के लिए और 2000 के लिए। यानी 1600 और 2000 के लिए हम 6 कोड यूज़ करेंगे, 1700 और 2100 के लिए 4 यूज़ करेंगे, 1800 और 2200 के लिए 2 यूज़ करेंगे, 1900 और 2300 के लिए हम 0 कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा तीन तरह का कोड है, महीना के लिए, दिन के लिए और सेंचुरी के लिए। ये तीनों कोड को आप याद कर लें जिससे पार्ट टू के वीडियो समझने में आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से पार्ट टू का वीडियो समझ में आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हो सके तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।